मुख्य खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश, कहा घर लौटने वाले मजदूरों को पैदल ना जाने दें, बल्कि बसों या श्रमिक स्पेशल ट्रेन से किया जाए रवाना, भोजन और पानी का भी करें इंतजाम। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र को बुनियादी मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, कहा 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का होगा गठन, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सहायता की योजना। कृषि बाजार में हुए सुधार को लागू करने की दिशा में कानून लाएगी केंद्र सरकार, किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने का है लक्ष्य। खाद्य पदार्थों की अधिकता वाले बाजार से कम उपलब्धता वाले बाजार तक उत्पादों को पहुंचाने में लगे परिवहन पर 50% की दी जाएगी सब्सिडी, शीत भंडारण पर भी 50% की मिलेगी छूट। पशुपालन संबंधी ढांचागत विकास के लिए सरकार ने की 15,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा, 10,00,000 हेक्टेयर में औषधीय पौधों की खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का ऐलान। मधुमक्खी पालकों की सहायता के लिए सरकार ने किए 500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान, कृषि की आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी 500 करोड़ रुपए की घोषणा। कोरोना के कुल 51,401 सक्रिय मामले, 2,649 पहुंचा मृतकों का आंकड़ा 27,919 मरीज। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा, पैकेज के जरिए 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद, निर्यात में भी 1,00,000 करोड़ की बढ़ोतरी की उम्मीद। और दुनिया भर में 45,34,000 से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को वेंटिलेटर की मदद देने और वैक्सीन विकसित करने में मदद करने का किया ऐलान, अमेरिका में 14,42,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में। आज शाम स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए भोजपुरी के प्रसिद्ध सिंगर सनी दुबे, उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी में स्पेशल रिपोर्ट।